थैंक यू चेयरपर्सन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफी कुछ पहले आपने एनलाइटन कर दिया हाउस को और मिनिस्टर को, अब बाकी आपके पार्टी के कुलीग ने कर दिया। बहुत अच्छा, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए जो बिल लाया गया है। ये बात सही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत प्रेशर रहता है खिलाड़ियों पर कि वो देश के लिए मेडल जीत करके लाएं, और उस प्रेशर में ही क्या होता है, कई बार गलतियां होती हैं या गलतियां कराई जाती हैं जानबूझ करके। मैं इतना ही कहूंगा कि जो असलियत में भारत का नाम करते हैं खिलाड़ी, वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, खेतों खलियानों में काम करने वाले बच्चे आते हैं, जबकि उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी मेहनत से यहां पहुंचते हैं। अब उनको तो मालूम नहीं होता कि उसके मतलब उसकी अगर मसल जो है खिंच गई है, उसमें जो तेल मालिश की जा रही है उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो कल को अगर टेस्ट के लिए जाएगा तो उसमें वो एंटी डोपिंग टेस्ट पे वो पकड़ा जाएगा। ये काम तो कोच का होता है कि कोच हमारे यहाँ कितने ऐसे लर्नेड कोचेस हैं जो उनको सही तरीके से गाइडेंस देते हैं। मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी को यह है कि आप इसमें अगर लायबिलिटी जो जब जब टेस्ट होगा तो उसमें उन खिलाड़ियों के साथ उनके कोचिस का भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, पहले से तय होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए केवल खिलाड़ी तो दोषी पाया गया लेकिन जो उसको गाइड कर रहा था वो मतलब उसमें निकल जाए। मेरा दूसरा जो ये बात सही है, अगर हम ज्यादा प्रेशर रखेंगे जल्दी में रहेंगे तो हाल ऐसा ही होता है, जैसा कि आप कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं और उसको कह दो कि नहीं ये तो 6 महीने बनना है, कोई सड़क बननी नहीं 6 महीने बनना, और उसका उद्घाटन कर दो और बारिश पड़े वो धस जाए, तो ये मतलब इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ड्रग्स की चर्चा हो रही है क्योंकि मैं इसमें कोई शराब का कोई लेन देन इससे नहीं है एंटी डोपिंग से, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष के जो सांसद थे जिन्होंने डिबेट की शुरुआत की, उन्होंने अपना पूरा भाषण ही जो है शराब की नीति पे कर दिया, दिल्ली की शराब नीति हो या गुजरात की शराब नीति हो, कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद 28-28 लोग मर गए वहां पर, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बिल के ऊपर इसलिए मैं तो बिल का बोल रहा हूँ। एक मिनट बचा, मैं एक मिनट बचा, मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाह मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगले बजट में सरकार से फाइनेंस मिनिस्टर से ही मांग करें कि खेलो इंडिया के ऊपर कोई बजट एलोकेशन नहीं है, बजट वहां होना चाहिए, क्योंकि जब हम दिशा की मीटिंग में रिव्यू करते हैं उस इशू को तो कहते हैं कि बजट ही नहीं है। अब नारा तो हम दे रहे हैं खेलो इंडिया, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बजट उसके लिए कुछ है नहीं। मैं आखिरी सुझाव देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि जो डायरेक्टर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है जो बिल में मैंने देखा सभापति महोदय, उसकी एज यूजुअल जो सरकार की नीति है कि सारी एजेंसीज को अपने कब्जे में रखो और हर एजेंसी की पुरानी एजेंसीज की भी ऑटोनॉमी खत्म कर दो, कम से कम ये नई एजेंसी आप बना रहे हैं इसको ऑटोनॉमी दीजिए, ऐसा मत करिए कि जो डीजी होगा वो जो है रात दिन आपसे डर के बैठा रहे कि कब आप उसको निकाल देंगे। मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।